10 साल बाद जम्मू कश्मीर का इंतजार खत्म हुआ है। चुनावी तारीखों का ऐलान माना जा रहा है। अब से ठीक आधे घंटे बाद 3 बजे आप राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए सुनेंगे। हलचल तेज हो गई है क्योंकि घाटी हो या फिर जम्मू का इलाका हो, दोनों ही जगहों पर वोटिंग होने वाली है। तारीखों का बस ऐलान होना बाकी है। आज विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आएंगे। चुनाव आयोग थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगा। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है जहां 10 साल बाद ये घड़ी जम्मू कश्मीर के वोटर्स के लिए ताकि वो वोट डाल सके, तो वहीं हरियाणा में भी चुनाव होना है। नायब सिंह सैनी वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उनके लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन गिरा था। ऐसे में नायब सिंह सैनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 10 जिले जम्मू रीजन में हैं, 10 जिले कश्मीर रीजन में। और एक बार आपको पहले सुना देते हैं फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, फिर आप। तो सर अभी जिस तरह इलेक्शन अनाउंस हो रहा है तो क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड भी वापस देना चाहिए? देना पड़ेगा, इनका वादा है कि स्टेटहुड देंगे। बाकी मैं इनको तो जानता नहीं हूँ, मैं इसकी जमात से नहीं हूँ, ये क्या करेंगे वो अल्लाह ही जानता है। बीजेपी का कहना है कि इस बार हमारी सरकार आएगी और सीएम बीजेपी का होगा। जनाब मैं कौन सा रोकने वाला हूँ, अगर अल्लाह को ये मंजूर होगा कि वो बनेगा, मैं क्या कह सकता। एनसी का क्या, आपकी क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि हम लोग हुकूमत बनाएंगे क्योंकि हम नफरत की हुकूमतें बनाना चाहते हैं। वो तो नफरत की हुकूमत में है कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते। इस रियासत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। हम तो सबके लिए लड़ना चाहते हैं। सब मुसीबत में, सब मुश्किलात में, सिर्फ एक कौम मुश्किल में नहीं है। तो जो उनका वो रवैया है, अगर इस भारत को बचाना है तो भारत बच सकता है सिर्फ जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हम अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग हमारे हालत है। उनका मिजाज अलग है, हमारा मिजाज अलग है, उनके तरीके जिंदगी अलग है। तमिलनाडु लीजिए, आसाम लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, हमारा क्या कॉमन है उनके साथ, मगर सिर्फ एक उम्मीद है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त चुनाव आयोग में मौजूद हैं जहां पर कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। दोनों ही राज्यों में चुनाव का इंतजार, लेकिन जम्मू कश्मीर पर पूरे देश की नजर रहेगी। जिस तरह से इस बार देखिए, पहली बार एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट्स पर भी वहां पर चुनाव होने हैं। 7 सीट्स एससी के लिए रिजर्व, एसटी के लिए भी 9 सीटें हैं। घाटी जम्मू दोनों की आवाज, और इस बार 10 साल के इंतजार के बाद वोटिंग हो रही है। क्या खबर आ रही है तारीखों को लेकर, कब तक माने की वोटिंग हो सकती है? इसमें 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंजना ये कहा था कि चुनाव हो जाने चाहिए, तो अब उम्मीद की जा रही है कि 20 के आसपास मतदान पूरा होने के आसार लग रहे हैं और 5 से 7 चरणों में ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि मतदान संपन्न होगा। अगर हम बात करें, चूंकि अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी 7 चरणों में जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, यानी 5 सीटों पर अलग अलग हिस्सों को मिलाकर, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 7 चरण से ज्यादा भी होते हैं क्या चरणों में मतदान। और इसके साथ ही 114 सदस्यीय विधानसभा जम्मू कश्मीर की पहली बार 114 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें 24 सीटें पीओके की हैं। सिर्फ 90 सीटों पर चुनाव होगा, बाकी की 24 सीटों पर चुनाव बाद में होगा, क्योंकि वो सीटें पाकिस्तान के अनधिकृत रूप से कब्जाए गए कश्मीर की हैं, जिस पर चुनाव बाद में होगा। लेकिन 114 में से 90 सीटों पर चुनाव अगले महीने ही होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब दिन ही बहुत कम बचे हैं, 1.5 महीना कुल बचा है सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन के मुताबिक। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने की शुरुआत से मतदान की शुरुआत हो जाएगी और लगभग 20 से 25 सितंबर के आसपास मतदान का चरण पूरा हो जाएगा और इसी 30 तारीख से कुछ पहले, 2-3 दिन पहले शायद विधानसभा का गठन कर लिया जाए, नतीजे आ जाएं। तो फिलहाल दोनों जगह 90-90 सीटों पर चुनाव होने, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, वहां भी 90 सीटें हैं, लेकिन इस बार नए चुनाव होंगे, नए तेवर नए कलेवर में होंगे, क्योंकि इस बार एससी एसटी को उनका हक मिल रहा है, साथ ही 7 सीटें नई क्रिएट की गई हैं परिसीमन में। तो कुल मिलाकर 83 से 90 तक का सफर कैसा रहता है, ये सभी लोगों की निगाहें उस पर लगी हुई हैं।
बिल्कुल, जल्दी से एक बार मीर फरीद के पास चलते हैं जो हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। अब देखिए जिस तरह से सीटों में इजाफा हुआ है, अब 90 सीटों पर चुनाव होना है, कुल मिलाकर कितना तैयार आपको घाटी का इलाका, कश्मीर का इलाका दिख रहा है वोटिंग के लिए? मीर, जी अंजना, अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो छप्परफाड़ मतदान हुआ था और वहीं लोगों ने एक इंडिकेशन दी थी कि वो तैयार हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए, चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, क्योंकि काफी समय से एक डिस्कनेक्ट है, काफी समय से जो नौकरशाही का राज है और लोगों की हर जगह ही शिकायत थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, अपने लोग चाहते हैं, ताकि उनका जो रोजमर्रा के मसले हैं सड़क बिजली पानी वो कम से कम हल हों और बेहतर तरीके से उनको एक्सेस मिले। तो लोग तो बिल्कुल तैयार हैं और उसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो भी काफी समय से आप उसको कहेंगे कि जॉबलेस हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। एनसी पीडीपी रीजनल पार्टीज वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। हालांकि उमर अब्दुल्ला जैसे जो लीडर हैं वो कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा वो जो है इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन क्या वो सिंबॉलिक बात है और जब इलेक्शन आते हैं वो बदलेगा वो सारा सिनेरियो, वो हिस्सा लेंगे, वो कुछ समय में हमें समझ आएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ के हालात की बात करें तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल, पुलिस के ऑफिसर जो है ले गए हैं, तकरीबन 200 से ज्यादा ऑफिसर जो हैं उनकी ट्रांसफर्स हुई हैं और अभी भी लिस्ट आ रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पर भी जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुनील जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जम्मू रीजन की जो सीटें थी वो 37 से 43 हुई और श्रीनगर के इलाके में कश्मीर रीजन में 46 से 47, ऐसे में यह आरोप विपक्ष का लगा है कि यहां पर जम्मू के इलाके में जहां पर बीजेपी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है वहां पर सीटें बढ़ गई हैं। जी अंजना, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो समीकरण होता था सीटों का अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद, उसमें व्यवस्था ये थी कि 87 जो विधानसभा की सीटें थी इसमें 4 लद्दाख की भी थी, क्योंकि लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है विधानसभा के बगैर, तो उसको हम अलग कर देते हैं, तो 83 सीटें बच चुकी थी और इन 83 सीटों में अब 7 सीटें जोड़ दी गई है और 90 सीटें। आप देखिए इस समय फारूक अब्दुल्ला यहाँ अखनूर पहुंचे हैं, उनसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। अंजना, एक मिनट का समय, यहां फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं अखनूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अखनूर पहुंचे हैं, हम इनसे प्रयास करेंगे इनसे एक रिएक्शन लेने का। तो आप देख सकते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां अंजना यहां जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है और यहाँ पर राजनीतिक नेता जो हैं अलग अलग इलाकों में जाना शुरू हो गए हैं। फारूक साहब यहाँ पर पहुंच, अंजना हम फारूक अब्दुल्ला से बात करने का प्रयास करते हैं, इन्होंने कहा है कि अंदर ये यहाँ पर एक स्थान के अंदर जा रहे हैं, बात करेंगे हमसे। फारूक साहब एक सेकंड, आपसे कह रहा हूँ अंदर चलिए। चलिए ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां अगर हम देखें तो उनका, बढ़ रही उनका अंदाज तो थोड़ा सबसे जुदा होता ही है। बेटे के चुनाव न लड़ने पर जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं मरा नहीं हूं। आप कोशिश करते रहिए आराम से, जैसे हम लाइव ही हैं इस वक्त, अगर बात हो पाएगी तो हम आपको सीधा लाइव काट लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार जल्दी से कवलजीत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हरियाणा में भी चुनाव है, किस तरह से देखिए, क्योंकि देखिए इस बार जातीय समीकरण अपने अंदाज में होगा, अब नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ में वहां पर जाट पॉलिटिक्स भी बहुत हावी रहती है और लोकसभा में फैसला हुआ था कि दुष्यंत चौटाला और उनको अलग करना ताकि जो जाट वोट है वो दो पार्टियों में बटे, इस बार क्या परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन गिरा था। सुनील जी एक सेकंड टोक रही है, सुनील जी बात कीजिए अंजना बात कीजिए। ठीक है, इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपसे बस कुछ देर बाद चुनाव आयोग जो है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, किस क्या लग इनको छोड़ दीजिए बैठ जाएंगे ठीक ना, बैठिए थैंक यू सर। तो फारूक साहब उधर चलो, उस तरफ को चलो।
पहले इनको बैठने दो, ठीक, हमारे लीडर सर पे होते हैं। बताइए इस वक्त आज तक पर हमारे इलेक्शन कमीशन तारीखों का कि हमारे यहाँ असेंबली फिर से रिस्टोर हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आज ये आएगा और कोई इसमें हड़चड़ नहीं, हम असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो फारूक साहब ये ठीक प्रशासनिक बदलाव हुआ है, ट्रांसफर्स हो रहे हैं अफसरों के, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए ये लोग उन अफसरों को लगाने की कोशिश करेंगे जो इनके इनके लिए काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ देखें कि इंसाफ हो हर पार्टी के साथ और लेवल प्ले फील्ड होना चाहिए जो भी यहाँ लड़ना चाहिए, और उसकी तरफ साथ दें, तो मैं समझता हूँ ये फिर इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। कि स्टेटहुड जो है वापस मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और उसके बाद ही विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, ऐसा तो अभी लग नहीं रहा कि जो अब इलेक्शन हो जाए।